आई थिंक आपको आवाज आनी चाहिए। सो स्टिल नॉट ऑडिबल? ओके फाइन फाइन या नाउ इट्स ऑडिबल टू ऑल द स्टूडेंट्स। प्लीज अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बता दीजिएगा सादर। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये आपको इंट्रो स्लाइड्स समझ में आई हैं। सबसे पहले हम कुछ इंट्रो स्लाइड्स बनाएंगे जिसमें हम अपने ऐप के बारे में थोड़ी सी डिटेल मेंशन करेंगे कि ये चीज़ें हम इस ऐप में दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक फूड डिलीवरी ऐप सोच सकता हूँ, मैं एक बार्बर शॉप ऐप सोच सकता हूँ, मैं एक जोमेटो काइंड ऑफ ऐप सोच सकता हूँ, मैं रजिस्ट्रेशन के तौर पे जैसे बस रजिस्ट्रेशन या स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के तौर पे मैं कुछ इंट्रो स्लाइड्स बनाऊंगा जिसमें मैं अपनी ऐप की डिस्क्रिप्शन दूंगा, जिसमें मैं एक इमेज दूंगा, उस इमेज के बेसिस पे उसके साथ उसका टेक्स्ट लिखूंगा जो उसका टाइटल होगा, उसके साथ कुछ डिस्क्रिप्शन होगा और उस डिस्क्रिप्शन के साथ ये मेरी बटन्स जुड़े होंगे, बुलेट्स जुड़े होंगे और ये नेक्स्ट नेक्स्ट करने के लिए इंट्रो स्लाइड्स चेंज होंगे, ये स्लाइड्स भी होंगे। दैट्स व्हाई वी विल कंसीडर इट अंडर व्यू पेजर जो हमने कल पढ़ चुके हैं। जब ये पेज कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक स्प्लैश स्क्रीन पर जाएंगे, स्प्लैश स्क्रीन रन करेगी और उसको रन करने के बाद कुछ सेकंड्स के बाद ये मेन एक्टिविटी पे चला जाएगा और होम एक्टिविटी पे चला जाएगा। फाइन, सो ये हम सारा आज कंप्लीट करेंगे। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। अगर अभी भी किसी को ऑडियो या विजिबिलिटी में कोई इशू है तो प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू माई सेशन। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। हम ऐसा करते हैं, हम एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं क्योंकि नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। हम एम्प्टी एक्टिविटी बनाएंगे नेक्स्ट। फाइन, सो लेट्स सपोज द फूड डिलीवरी ऐप, फूड डिलीवरी It's all okay. Finish. So, एक नया प्रोजेक्ट है पूरा अपना, मैं पुराना प्रोजेक्ट यूज कर सकता था, नॉट वेरी बिल्ड ऑन इट। दोनों ही प्रोजेक्ट मेरे ऑफ हो चुके हैं, मैं दोबारा से स्टार्ट कर लेता आज if my voice is not working, I have to
आई होप सो कि आपको आवाज आनी चाहिए। आवाज नहीं आ रही है, उसका कुछ रीजन समझ नहीं आ रहा कि Still not audible. आज माइक में कुछ इश्यूज लग रहे हैं कि इश्यूज आ रहे हैं, इसकी वजह से ऑडिबल नहीं है। बाकी मैंने तो कुछ चेंजेस किया नहीं है। ओके ओके ओके, थैंक यू स्वेच्छा, थैंक यू, ऑडिबल हो चुका है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। काफी टाइम थोड़ा सा आज खराब किया हमने, कोई बात नहीं, बट इट विल बी अ फन फॉर द टुडे क्लास, वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव क्लास जो हम आज करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। फाइन, सो जैसे कि आपको पता है कि ऐप हमने न्यू बनाई है, इसका नाम है फूड डिलीवरी ऐप, जिसमें एक मेन एक्टिविटी बाय डिफॉल्ट हमारे पास बन के आ चुकी है। इसमें मैनिफेस्ट फाइल है, ठीक है, और रिसोर्सेज फाइल है। ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये क्या चीजें होती हैं, ठीक है, और इसमें वैल्यूज हैं, कलर्स हैं, ये सब चीजें हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई हैं। फाइन, सो अब हम क्या करते हैं कि कुछ चीजें पहले ऑलरेडी डिफाइन करते हैं। सो एक मैं और एक्टिविटी बना लेता हूँ सबसे पहले, सो दैट शुड बी एम्प्टी एक्टिविटी, और उसका नाम मैं रख देता हूं इंट्रो स्लाइड्स, ठीक है, इंट्रो स्लाइड्स होंगी, और इसको मैं फिनिश कर देता हूं। इंट्रो स्लाइड्स सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, सो दैट्स व्हाई इट शुड बी द लॉन्चर एक्टिविटी। तो मैं यहां से इसको हटा देता हूं मेन एक्टिविटी से, और इंट्रो स्लाइड्स मेरी लॉन्चर एक्टिविटी होंगी। जब मेरी लॉन्चर एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी होगी, इंट्रो स्लाइड्स कंप्लीट हो चुके होंगे, तो मेरी मेन एक्टिविटी रन करने से पहले, मेन एक्टिविटी क्योंकि मेरी होम एक्टिविटी होगी, सो मैं इसको रीफैक्टर कर देता हूं। रीफैक्टर से हम इसको रिनेम कर पाएंगे, सो इसको मैं नाम दे देता हूं होम एक्टिविटी एक्टिविटी, सो मैं रीफैक्टर कर देता हूं। सो इसकी एक्टिविटी का नाम आई थिंक मैंने गलत लिख दिया, रिनेम दोबारा कर देता हूं एक्टिविटी। फाइन, रीफैक्टर किया, अभी भी इसका मेन एक्टिविटी आ रहा है, सो मैं इसको एक और ऐड करता हूं, उसके बाद मैं इसको क्लीन करता हूं। सो एक और एम्प्टी एक्टिविटी ले लेते हैं, ठीक है, होम एक्टिविटी मैंने डिफाइन कर दी है, तो इससे पहले मैं स्प्लैश एक्टिविटी लूंगा, ठीक है। सो फिनिश, फाइन, सो होम एक्टिविटी आ चुका है, इंट्रो स्लाइड्स आ चुके हैं, और स्प्लैश एक्टिविटी। तो होगा क्या, हम इंट्रो स्लाइड्स पहले रन करेंगे, उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो स्प्लैश एक्टिविटी पे आएंगे, और इसके बाद कंप्लीट होगा तो हम होम एक्टिविटी पे चले जाएंगे। ये हमारा फ्लो रहेगा। फाइन, सो लेट्स बिगिन द कोड। सो सबसे पहले हम डिजाइंस के बारे में बात कर लेते हैं। होम एक्टिविटी है, होम एक्टिविटी का जो नाम है इसका मैं दोबारा से रीनेम कर लेता हूं, ताकि रीफैक्टर रीनेम, मेन एक्टिविटी की जगह पे मैं एक्टिविटी होम एक्टिविटी है, ये होम एक्टिविटी रहेगा, और इंट्रो स्लाइड्स है, स्प्लैश स्प्लैश है, ओके। सो सबसे पहले हम स्प्लैश स्क्रीन इंट्रो स्लाइड्स के ऊपर काम करना शुरू करते हैं।
ठीक है। इंट्रो स्लाइड्स में हम पहले डिजाइन बनाएंगे, सो इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। सो फाइन, सो सबसे पहले तो हम ये चीज देख लेते हैं कि हमें थीम्स पहले चेंज करनी है। हमें थीम्स में जो डार्क एक्शन बार है वो हमें नो एक्शन बार रखना है। फाइन, इसके साथ ही साथ हम जो डार्क थीम है उसको भी चेंज कर देंगे, अदरवाइज हम डार्क मोड में हमारी एक्टिविटी क्रैश करेगी। सो नो एक्शन बार कर दिया। फाइन, दोनों थीम्स सबसे पहले मॉडिफाई की सो दैट हमारे पास जो टूल बार है वो हम अपना कस्टम लगा पाए। ठीक है, दैट्स व्हाई वी मॉडिफाई द थीम। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। ठीक है, सो इसको हम लीनियर से काम करना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी कि हम इसको कैसे यूज करेंगे और इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम बनाएंगे इंट्रो स्लाइड्स जो हैं उसको बना के देखते हैं। ठीक है, इंट्रो स्लाइड की जो स्क्रीन है उसमें हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे लेआउट्स को। लेआउट्स में हम इंट्रो स्लाइड्स में सबसे पहले कोई कंस्ट्रेंट लेआउट से बनाता है, कोई लीनियर से बनाता है, कोई रिलेटिव से बनाता है, तो हमारी मर्जी कि हम कैसे बनाना चाहते हैं। सो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं इसको लीनियर से भी बना सकता हूँ, रिलेटिव से भी। सो लेट्स लीनियर से ही हम ट्राई करते हैं। सो सबसे पहले हम एक इमेज व्यू लेते हैं। ठीक है, इसका हम विड्थ हमने मैच पेरेंट कर दिया है, हाइट हम 200 dp दे देते हैं। ठीक है, फाइन, और यू कैन से दैट मैच पेरेंट नहीं, इट शुड बी रैप कंटेंट। सो ग्रेविटी लेआउट, ग्रेविटी सेंटर होनी चाहिए, सेंट्रल हॉरिजॉन्टल, सॉरी इट शुड बी ग्रेविटी नॉट लेआउट ग्रेविटी, इट शुड बी ग्रेविटी सेंटर। इसको भी चलो 200 डीपी दे दे, अदरवाइज इट विल नॉट विजिबल टू ऑल। सेंटर, ठीक है, और इसको मैं लेट्स पुट रिलेटिव से ही काम करना इजी रहेगा हमारे लिए। सो इसको मैं रिलेटिव, इसको सेंटर इन पेरेंट दे देता हूँ सीधे, ट्रू। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया है। इसको मैं एक आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, इमेज व्यू, ठीक है, और ये किसका है, इंट्रो का है। सो मैं यहाँ पे इंट्रो अंडरस्कोर इमेज व्यू दे देता हूँ। फाइन, सो ये मेरी इमेज रहेगी। ठीक है, इमेज के नीचे मेरा टेक्स्ट रहेगा, टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू। ठीक है, इसमें विड्थ जो है इसकी रैप कंटेंट रहेगी, हाइट भी रैप कंटेंट रहेगी, और इसका आईडी रहेगा, इट शुड बी इंट्रो टेक्स्ट व्यू टाइटल, टाइटल। ठीक है, और ये सेंटर इन पेरेंट ये भी रहेगा ट्रू, लेकिन बिलो रहेगा इमेज व्यू के। फाइन, सो मैं बाय डिफॉल्ट दे देता हूँ कुछ चीजें ताकि आपको याद रहे कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, तो दिखना विजुलाइज करना आसान हो जाता है जैसे कि कैसा जैसा दिखेगा ये टाइटल। ठीक है, इसका साइज चेंज कर देते हैं 20 dp sp। फाइन, और इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं 10 dp का। फाइन, और स्टाइल दे देते हैं, टेक्स्ट स्टाइल तो बोल्ड होना चाहिए ये, और अगर आप फॉन्ट देना चाहते हैं तो फॉन्ट फैमिली आपको चाहिए, तो मोनोस्पेस हमारे पास ऑलरेडी लिखी हुई है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। ठीक है, ये सेम टेक्स्ट भी मैं दूंगा इसके नीचे, बस इसमें इंट्रो टीवी व्यू की टाइटल की जगह डी एस डिस्क्रिप्शन हो गई है, और ये बिलो होगा इंट्रो
टीवी के डिस्क्रिप्शन नहीं, इट शुड बी टाइटल, टाइटल के नीचे आना चाहिए। और ये साइज इसका जो है वो 15 होना चाहिए, उससे थोड़ा कम, 15 ज्यादा कम हो गया, 18 दे देते हैं, ठीक है। और ये बोल्ड नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन कभी बोल्ड नहीं होती। सो ये हो गया यहां तक, फाइन। सो इसके नीचे हम एक और लीनियर लेआउट, नहीं टेक्स्ट व्यू ही दे देते हैं एक और, ये ब्रांडिंग टेक्स्ट व्यू है। सो ये मैच पेरेंट रहेगा, रैप कंटेंट, और इसका काम रहेगा ये होगा अलाइन पेरेंट बॉटम को ये ट्रू करेगा ताकि सबसे नीचे आ जाए ये, ठीक है। और इसमें पैडिंग रहेगी, ठीक है, 10 dpi की, ठीक है। टेक्स्ट रहेगा इसका पावर्ड बाय टेक्नोमाइंड्स, ठीक है। और अलाइनमेंट इसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर रहेगी, फाइन। बोल्ड करना चाहते हैं तो आप स्टाइल बोल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज कलर देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। सो इतना सा अभी हमने बनाया है। सो इसको एक्चुअली ये हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, ये हम ब्रांडिंग इसमें नहीं देंगे, ब्रांडिंग हम इसमें नहीं देंगे। मैं इसको कट कर लेता हूँ, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ स्प्लैश स्क्रीन के अंदर, क्योंकि ये मुझे वहां यूज होगा। तो अभी एज इट इज पेस्ट कर देता हूँ, मुझे कहीं यूज नहीं है, तो बाद में देखेंगे। सो इसके नीचे मेरे एक लीनियर लेआउट रहेगी जो कि मुझे यूज करनी पड़ती है, फाइन। सो लीनियर लेआउट का बेसिकली काम क्या होगा कि इसमें हम बटन बना सकते हैं या व्यूज बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। सो वहां हम इसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि एक टैब लेआउट बना देता हूं साथ में, जो कि आपको डॉट्स क्रिएट करने के लिए काम आएगा, ठीक है। सो लेट्स डू अ लीनियर लेआउट, से पहले मैं टैब लेआउट, टैब लेआउट हमने लास्ट टाइम बनाया था। सो टैब लेआउट, ठीक है, टैब लेआउट का कार्ड करते कहते टैब लेआउट में हम, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे विड्थ दे देता हूँ, रैप कंटेंट, ठीक है, और हाइट दे देता हूँ, लेआउट हाइट रैप कंटेंट हुआ, ठीक है। इसके अंदर मैं आइटम्स क्रिएट करता था, याद है। सो मैं अभी आइटम डिफाइन कर देता हूँ, टैब आइटम, रैप कंटेंट, रैप कंटेंट, ठीक है, और इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो है ये अलाइन होगा पेरम बॉटम लेफ्ट ट्रू और लाइन पेरेंट बॉटम ट्रू, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड में यहां आपके अलाइन हो चुका है। सो इसके बाद एक बटन होगा बना हुआ, विड्थ रैप कंटेंट, हाइट रैप कंटेंट, टेक्स्ट, टेक्स्ट इसमें मैं नहीं लिखूंगा। सो टेक्स्ट मुझे इसमें नहीं चाहिए, ये मुझे डायरेक्टली मैं लिखना शुरू कर दूंगा, ठीक है। और बैकग्राउंड जो है इसका वो नल हो जाएगा, ठीक है, दिखने में ब्लैंक हो चुका है। और इसको अलाइन मैं कर दूंगा पेरेंट एंड ट्रू कर दूंगा, और अलाइन पेरेंट बॉटम ट्रू, ठीक है। इस ये किस लिए बनाया है, तो मैं इसमें एक ड्रॉबल ले लेता हूँ, न्यू करके हम एक वेक्टर एसेट्स लेंगे, वेक्टर एसेट्स मुझे काफी चाहिए होंगे, तो मैं यहाँ से वेक्टर एसेट्स में आइकन ले लेता हूँ। सो अभी लोड हो रहे हैं,
let's do some loading. Okay, so इसमें मैं right का arrow है, या आप ये ले सकते हैं, ठीक है, और या आप arrow ले सकते हैं. Fine, arrow भी ले सकते हैं और arrow forward भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है. तो ये भी ले सकते हैं double arrow. So it's up to your choice कि मैं क्या लूँ. तो मैं कोशिश करूँगा मैं ये ले लेता हूँ arrow forward का. Okay, इसका मैं नाम change कर देता हूँ एरो फॉरवर्ड का, ठीक है. सो नेक्स्ट फिनिश, ठीक है. तो ये मेरे पास यहाँ ड्रॉएबल में ऐड हो चुका है एरो फॉरवर्ड. तो मैं इसको ड्रॉएबल राइट कर दूंगा, इसका नाम रखूंगा एरो फॉरवर्ड, ठीक है. तो यहाँ पे ये मेरे को नजर आने शुरू हो चुका है, ठीक है. इसमें टेक्स्ट साइज आप चेंज करेंगे, ठीक है, 30 SP, ठीक है, ये बड़ा हो चुका है. वो आपकी मर्जी, आप इसको कितना बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है. इसमें फाइन, इसमें दैट्स ओके, ये हमें इतना ही रखना है, ठीक है. अब मैं इसको आईडी दे देता हूँ, ठीक है. आईडी होगा BTN नेक्स्ट का, बटन नेक्स्ट का काम करेगा ये, ठीक है. और ये टैब लेआउट को भी आईडी देनी पड़ेगी, आईडी इज इक्वल टू टैब लेआउट. फाइन, ये टैब लेआउट बेसिकली हम यूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमने ड्रॉपलेट्स देने हैं, या यू कैन से दैट आइकन्स देने हैं, जो कि इसके मूविंग के ऊपर चलेंगे. सो इसमें मैं अभी कोई इमेज नहीं दे रहा हूँ. सो मुझे पहले इमेजेस चाहिए होंगी. इमेजेस लेने के लिए मैं एक सिंपल आपको साइट बता देता हूँ. आप कहीं से भी इमेजेस यूज कर सकते हैं, अंड्रॉज इमेजेस भी यूज कर सकते हैं. सो इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे बनाना चाहते हैं. तो इसके साथ ही साथ मुझे जो बनाने पड़ेंगे वो इंडिकेटर्स भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हम जब भी, आपको याद होगा कि टैब लेआउट्स यूज करते हैं, तो हम टैब बैकग्राउंड इंडिकेटर्स बनाते हैं. सो टैब बैकग्राउंड इंडिकेटर्स जो हैं वो हमें पहले बनाने पड़ेंगे. सो इंडिकेटर्स बेसिकली हमारे पास दो तरीके के होते हैं. वन इज कॉल्ड, एक डिफॉल्ट इंडिकेटर होते हैं, और एक मैं पहले इंडिकेटर्स बना देता हूँ जब तक ये खुलता है. सो लेआउट्स हैं बेसिकली वो भी, ठीक है. इसमें यहाँ बना देते हैं, ठीक है. इसका हम नाम रखेंगे इंडिकेटर जो कि डिफॉल्ट रहेंगे. सो इंडिकेटर जो कि डिफॉल्ट रहेंगे, ठीक है. इसको ओके किया, ठीक है. ये हमारे पास है तो एक्सएमएल, एक्चुअली ये हमने गलत बनाया, ये ड्रॉएबल होगा, ये एक्सएमएल नहीं होगा. सो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ. ड्रॉएबल्स थे ये, न्यू ड्रॉएबल इंडिकेटर डिफॉल्ट, एक ड्रॉएबल बनाते हैं. ओके, सो ये जो है ये लेयर्स रहेंगी, लेयर लिस्ट बेसिकली होती हैं, ठीक है. लेयर लिस्ट के अंदर हम आइटम्स प्रोवाइड करते हैं, आइटम्स की जिसमें हम शेप भी डिफाइन करते हैं और उसका कलर्स वगैरह भी डिफाइन करते हैं. फाइन, सो सबसे पहले मैं इसके अंदर एक आइटम डिफाइन कर देता हूँ. सो आइटम रहेगा, ठीक है. इस आइटम के अंदर उसकी उसकी हाइट रहेगी, ठीक है. हाइट हम कितना देंगे उसका, जितना बेसिकली आइटम के अंदर हम शेप बनाएंगे, हम आइटम को हाइट नहीं देंगे. आइटम के अंदर हम एक अलग से शेप डिफाइन करेंगे, ठीक है. शेप कौन सी होनी चाहिए, ओवल होनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है. तो हम यहाँ पे रिंग डिफाइन कर सकते हैं. सो शेप शुड बी रिंग, ठीक है. और उसका कुछ मुझे देना पड़ेगा रेडियस. सो इनर रेडियस जो है वो जीरो रहेगा, 0 dp. इनर रेडियस से मेरा मतलब है कि इंटरनल जो है वो उसके अंदर जो कलर होगा वो कौन सा फिल होगा, वो हम जीरो कर रहे हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो सिलेक्टेड नहीं रहेगा. थिकनेस उसको हम डिफाइन कर देंगे, छोटा सा बनाने की कोशिश करेंगे. थिकनेस 4 dp काफी है, ठीक है. और उसको कुछ मुझे
शेप यूजर लेवल, सो यूजर लेवल मुझे उसको ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये कुछ चीज यूजर लेवल मुझे फॉल्स करना पड़ेगा और उसको कलर भी डिफाइन करना पड़ेगा। यूजर लेवल फॉल्स, ये हो गया मेरा शेप, और उसके साथ ही मुझे इसका कलर भी डिफाइन करना है। सो कलर मैंने अभी तक बनाया नहीं है, सो मैं पर्पल ही यूज कर लूंगा। फाइन, इसको मैं देख पा रहा हूँ क्या, ये शायद मुझे कहीं से नजर आया। फाइन फाइन, सो अब मेरे पास ये शेप बन चुकी है, यूजर लेवल डिफाइन हो चुका है, और मैं कलर थोड़ा अलग से डिफाइन कर देता हूँ ताकि ये यूज हो सके कहीं। So, अलग से कलर डिफाइन करने के लिए मुझे इसके रिसोर्सेज को चेंज करना पड़ेगा। सो रिसोर्सेज में जाके सबसे पहले मैं कलर्स को देखूंगा, ठीक है। तीन कलर बेसिकली मैं डिफाइन करता हूँ। सो टैब इंडिकेटर का कलर डिफाइन कर देता हूँ, टाइटल को अलग कलर देते हैं, और डिस्क्रिप्शन को अलग कलर दे देते हैं। राइट, सो कलर्स में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं कलर, सो इसको कमेंट देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको बोलते हैं कस्टम कलर्स, ठीक है। इसको मतलब कस्टम कलर से मेरा मतलब है कि हम ये खुद से हमने बनाए हैं, ठीक है। सो इसके अंदर हम टैब इंडिकेटर एक दे देते हैं, कोई भी कलर आप दे सकते हैं। सो मैं कलर, ठीक है, इसका मैं नाम रख देता हूँ टैब इंडिकेटर, ठीक है। और इसमें कलर कोई भी डिफाइन कर दो, फॉर एग्जांपल हैश सीजर 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 दे सकते हैं। यस, ये कलर हो चुका है, ठीक है। इसके बाद मुझे टाइटल का कलर देना है, सो टेक्स्ट अंडरस्कोर टाइटल, ठीक है। इसका कलर तो जनरली मेरे पास ब्लैक ही होना चाहिए, सो बाय डिफॉल्ट मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया और ये ब्लैक कर दिया, ठीक है। तीसरा कलर मेरा डिस्क्रिप्शन का होना चाहिए, टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन DESC, तो इसको मैं थोड़ा सा लाइट कलर देने की कोशिश करता हूँ। सो बाय डिफॉल्ट तो कोई कलर है नहीं, सो लेट्स सपोज मैं इसको ऐसे रेंडमली 65 दे देता हूँ। सो दैट्स नाइश ग्रेश कलर, तो ये तीन तरह के कलर मैं यूज करूंगा। तो इंडिकेटर डिफॉल्ट में मैं कलर ये ना देके टैब इंडिकेटर का कलर दे देता हूँ। फाइन, सो ये जो टैब डिफॉल्ट आया है अभी तो, ठीक है। फाइन, ये जो टैब डिफॉल्ट आया है ये सिर्फ डिफॉल्ट का कलर है, ठीक है। तो मुझे सिलेक्टेड का भी कलर बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं एक और डिफाइन कर लेता हूँ। So, यहाँ पे इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, ये तो डिफॉल्ट का था, तो मैं इसको सिलेक्टेड भी लिख लेता हूँ, ठीक है। इसमें क्या चेंजेस आएंगे, सिलेक्टेड में जो इनर रेडियस है, ठीक है, जो इंटरनल रेडियस है वो भी मुझे देना पड़ेगा। सो मैं थिकनेस दे देता हूँ उसकी, और यूजर लेवल डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। सो इनर रेडियस 3 dp दिया और थिकनेस 2 dp दिया, ठीक है। कलर मैं कौन सा यूज करूंगा, सो मैं कोई और कलर दे देता हूँ। सो मैं एक वो कलर दूंगा जो मेरे पास थीम से रिलेटेड है। फाइन, थीम से रिलेटेड मैं दो कलर और बना लेता हूँ, एक स्टार्ट ग्रेडियंट कलर बना देता हूँ, ये भी डिफाइन कर ही देते हैं। सो ग्रेडियंट स्टार्ट कलर देते हैं, ठीक है। इसमें भी कुछ कुछ भी दे दिया है, so, इसको कुछ कलर दे देते हैं, मैं ब्लूइश सा कलर देता हूँ, सो दैट्स फाइन। सो इसको कॉपी किया, यहाँ से पेस्ट कर दिया, ये स्टार्ट करके ये एंड कलर दे दिया, सेम कलर नहीं रखेंगे। सो इसको थोड़ा सा लाइट मोड में ले जाते हैं। फाइन, सो एक स्टार्ट हो गया, एक एंड हो गया, मैं स्टार्ट वाला कलर यहाँ से यूज करूंगा और इसको इंडिकेटर में टैब इंडिकेटर किया ये दे दूंगा।
गड़बड़ किया कुछ, फाइन। फाइन, सो ये चीजें हम यहाँ पे दे चुके हैं। इसके साथ ही साथ हमारे पास एक डिफॉल्ट बन चुका है और एक हमने दे दिया है सिलेक्टेड, लेकिन ये दोनों की दोनों तभी यूज होंगे जब मैं इंडिकेटर सिलेक्टर एक एग्जाम्पल बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं दोबारा से ड्रॉयल के अंदर ही एक इंडिकेटर सिलेक्टर बनाऊंगा। ठीक है, बेसिकली दो ड्रॉयल्स से बन ही चुके हैं, ठीक है, लेकिन ये दोनों इंडिपेंडेंटली यूज ना करके मैं एक इसका अलग से ड्रॉयल बना देता हूं, विच इज कॉल्ड इंडिकेटर सिलेक्टर। सिलेक्ट करेगा कि वो डिफॉल्ट होगा या वो सिलेक्टेड होगा, सो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। सो बेसिकली ये एक सिलेक्टर टाइप का है, सिलेक्टर में दो आइटम्स डिफाइन करूंगा, एक सिलेक्टेड के लिए और एक डिफॉल्ट के लिए। फाइन, सो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ आइटम, ठीक है। सो ड्रॉएबल एक टैब इंडिकेटर सिलेक्टेड जो है वो कब यूज होगा, जब स्टेट सिलेक्टेड ट्रू होगी। फाइन, और एक आइटम जो है वो ड्रॉएबल है जो कि डिफॉल्ट वाली है, इंडिकेटर डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट वाली चलेगी और वैसे इंडिकेटर सिलेक्टेड रहेगी। तो ये एक है इंडिकेटर डिफॉल्ट और एक है सिलेक्टेड, और ये दोनों किसके बेसिस पे काम करेगी, इंडिकेटर सिलेक्टर के तौर पे। तो ये इंडिकेटर सिलेक्टर मैं कहां लगाऊंगा, मेरे टैब लेआउट में। सो टैब इंडिकेटर कलर जो है इसमें यूज होगा, बेसिकली कलर नहीं है ये, ठीक है, इसमें कलर यूज नहीं होगा। सो इसमें यूज होगा टैब का बैकग्राउंड, सो बैकग्राउंड मुझे चेंज करना है, सो टैब बैकग्राउंड यूज करूंगा मैं, और इंडिकेटर ना तो डिफॉल्ट यूज करूंगा ना सिलेक्टेड यूज करूंगा, इसमें मैं यूज करूंगा इंडिकेटर सिलेक्टर को, ठीक है, इंडिकेटर सिलेक्टर बताएगा कि वो सिलेक्टेड है या नहीं है। फाइन, सो ये तो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि इसको यूज करके दिखाऊंगा कि कैसे यूज होता है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं कि इंट्रो एक्टिविटी पे जाएंगे, ठीक है। एक्टिविटी में हमने व्यू पेजर नहीं बनाया अभी तक, हमने व्यू पेजर भी छोड़ दिया अभी बनाना। सो व्यू पेजर बनाएंगे, व्यू पेजर से ही तो डिफाइन होगा कि ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी। एक्चुअली ये जो ये पार्ट है टैब लेआउट से पहले, ये जो है टेक्स्ट व्यूज और इमेज व्यू, ये एक अलग से लेआउट में डिजाइन होगा। सो इसको मैं अलग से लेआउट बना देता हूं। फाइन, ये है इंट्रो लेआउट, इंट्रो व्यू लेआउट, ठीक है, व्यू पेजर का लेआउट है ये। इसको मैं स्प्लिट करूंगा, इसको मैं लीनियर लेआउट बनाऊंगा और ओरिएंटेशन वर्टिकल रखूंगा, और ये जो चीजें हैं, ठीक है, इसको मैं व्यूज में पेस्ट कर दूंगा। ओके, इट शुड बी रिलेटिव, ठीक है, फाइन। सो ये रिलेटिवली इंट्रो व्यू आ गया, और यहां पे मेरे पास आएगा व्यू पेजर, इट शुड नॉट बी टू, व्यू पेजर, इसकी जो विड्थ है वो मैच पेरेंट होगी, हाइट जो है वो
वो भी मैच पेरेंट होगी, ठीक है, लेकिन ये अबव आएगा, लेआउट अबव आएगा बटन के, सो यू कैन से द बटन नेक्स्ट से ये ऊपर आएगा, या यू कैन से द टैब लेआउट से भी ऊपर आएगा, सो इट्स योर चॉइस। और इसको मैं आईडी डिफाइन कर दूंगा व्यू पेजर, ठीक है। तो ये आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, ऊपर व्यू पेजर है, इधर इंट्रो स्लाइड्स है और इधर बटन है। एक और बटन मुझे चाहिए होगा, ठीक है, जो कि मैं यूज करूंगा। ये बटन कब एक्टिवेट होगा, जब मैं सभी मेरी इंट्रो स्लाइड्स खत्म हो जाएंगी। सो विड्थ शुड बी रैप कंटेंट, हाइट शुड बी रैप कंटेंट, और इसका टेक्स्ट जो होएगा दैट शुड बी गेट स्टार्टेड, फाइन। और ये होगा लेआउट अबव, जो होगा ये होगा बटन नेक्स्ट के, ठीक है, और सेंटर इन पेरेंट ट्रू होगा, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड होगा, ठीक है, बैकग्राउंड शुड बी इंडिकेटर, यू कैन से दैट ग्रेडियंट, ग्रेडियंट स्टार्ट, फाइन, सो दैट्स फाइन। इसके लिए मुझे एक और ड्राइवर बनाना पड़ेगा, सो एक और ड्राइवर btn बैकग्राउंड, बटन का बैकग्राउंड क्या रहेगा वो बताएंगे। सो इट शुड बी अ शेप, एंड शेप शुड बी रेक्टेंगल, फाइन। और उसका साइज क्या रहेगा, हाइट रहेगी इसकी 100 रैप कंटेंट, ओके, साइज डजंट मैटर, हमें कॉर्नर्स डिफाइन करने हैं। सो रेडियस शुड बी 20 डीपी, ठीक है, फाइन। और कलर्स को मैं सॉलिड से डिफाइन करूंगा, कलर होगा स्टार्ट ग्रेडियंट, इट शुड नॉट बी सॉलिड एक्चुअली ना, इट शुड बी ग्रेडियंट, सो कलर शुड नॉट बी, इट शुड बी स्टार्ट कलर, फाइन। और एंड कलर शुड बी ग्रेडियंट एंड, फाइन। सो ये बंद कर दिया, सो ये मैं यूज करूंगा बैकग्राउंड बटन में। सो इंट्रो स्लाइड में स्टार्ट को ना यूज करके बैकग्राउंड, सॉरी btn, व्हाट इट इज कॉल्ड, इट शुड नॉट बी कलर, सो btn बैकग्राउंड। एक्चुअली बाय डिफॉल्ट ये कलर क्यों दे रहा है, क्योंकि मेरी जो थीम्स हैं वो बेसिकली मटेरियल ऐप से है, ठीक है, सो इट शुड नॉट बी थीम डॉट ऐप कॉम्पैक्ट, फाइन। सो यही मैं इसके राइट वर्जन में भी कर दूंगा, ठीक है। सो अगर आप देखेंगे तो ये आपको प्रॉपर दे रहा है, सो इसमें पैडिंग दे देंगे, सो पैडिंग लेफ्ट शुड बी 10 डीपी, इट शुड बी मोर देन दैट 20 डीपी, और पैडिंग राइट शुड आल्सो बी 20 डीपी, और इसका जो टेक्स्ट कलर होगा सो दैट शुड बी वाइट, सो दैट्स ट्रू, फाइन, दिखने में सुंदर लग रहा है, फाइन। लेकिन ये हमेशा नजर नहीं आएगा, सो दैट्स व्हाई विजिबिलिटी शुड बी इनविजिबल, ठीक है, ये नजर तब तक नहीं आएगा जब तक हम नहीं चाहेंगे, फाइन। सो अभी दिखने में बिल्कुल ब्लैंक नजर आ रहा है, लेकिन आप इसको इसमें देखेंगे, इसके ब्लूप्रिंट में देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि व्यू पेजर है, उसमें गेट स्टार्टेड है, इधर टैब्स है, इधर बटन है, सो दैट्स फाइन। सो इंट्रो स्लाइड्स के ऊपर अब हम काम करेंगे, फाइन। सो ये थीम्स हो चुके हैं, इंडिकेटर्स हमारे बन चुके हैं, स्प्लैश स्क्रीन अभी हमने यूज नहीं की, होम भी यूज नहीं किया, सो नॉट वेरी, सो स्प्लैश स्क्रीन को भी अभी हम रोक देते हैं, सो इंट्रो स्लाइड्स के ऊपर जाएंगे। सो एक एक चीज को हम यूज करने
से पहले हमें डिफाइन करनी पड़ेगी एक क्लास, ठीक है, क्योंकि हम एक ही लेआउट को एक ही फाइल में शो कर रहे हैं। कल हमने क्या किया था, हमने अलग अलग फ्रेगमेंट्स बनाए थे बेसिकली, तो फ्रेगमेंट्स हम एक के बाद एक लोड करते जा रहे थे और उसमें हम अलग अलग डिजाइन यूज कर रहे थे। बेसिकली फ्रेगमेंट्स हम तभी यूज करते हैं जब हम एक ही एक्टिविटी के अंदर मल्टीपल स्क्रीन्स को, मल्टीपल लेआउट्स को दिखाना चाहते हैं, लेकिन यहां हम एक ही तरह का लेआउट रेप्लीकेट करना चाहते हैं, सो दैट्स व्हाई वी विल नॉट यूज फ्रेगमेंट्स। सो वी विल यूज अ सिंगल लेआउट फाइल टू यूज इन व्यू पेजर। तो वहां हम एक क्लास बना लेंगे, ठीक है, जिस क्लास से हम क्या होंगे कि ये सारी चीजें हम डिफाइन करेंगे, फाइन। सो द क्लास विल बी अ स्क्रीन आइटम्स, यू कैन से दैट हम स्क्रीन की आइटम्स को मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका नाम रख देते हैं हमने स्क्रीन आइटम, ठीक है, एक अलग से क्लास बनगी जिसमें हम क्या करते हैं कि हमें, देखिए एक ही लेआउट के अंदर हमें तीन चीजें बनानी है, एक तो दो स्ट्रिंग्स बनाने हैं जिसमें हम टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और एक इमेज बनानी है, ठीक है। सो हम डिफाइन कर देंगे एक टाइटल, इट शुड बी स्ट्रिंग टाइटल होना चाहिए, एक डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए और एक इंटीजर टाइप का हमारे पास इमेज भी होना, सॉरी इंटीजर टाइप का इमेज होनी चाहिए, ठीक है। सो ये तीन चीजें हमारे पास होनी जरूरी है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें इनको यूज करना है, सो दैट्स व्हाई वी विल यूज गेटर एंड सेटर्स एंड आल्सो अ कंस्ट्रक्टर। सो हम कैसे बनाते हैं, कंट्रोल ओ करेंगे तो हम ओवरराइड कर सकते हैं इन सभी चीजों को, लेकिन मैं यहाँ पे इन सबको सिलेक्ट करके ओ करूंगा, so that's not creating actually a let's see the no it should not be just like this, so मैं खुद से ही एक बनाता हूँ। so screen item, ठीक है, इसमें एक string ले लूँगा that should be title, ठीक है, एक string ले लूँगा that should be description, ठीक है, और एक integer ले लूँगा that should be image, और इससे मैं इसको इनिशियलाइज करा दूंगा। सो दिस डॉट टाइटल विल बी आर टाइटल, फाइन, एंड दिस डॉट डिस्क्रिप्शन विल बी आर डिस्क्रिप्शन, एंड दिस डॉट इमेज विल बी आर इमेज, इट शुड बी स्मॉल आई, अदरवाइज इट विल बी एक्ट एज अ बाय डिफॉल्ट इमेज, सो फाइन। सो स्क्रीन आइटम is okay, so अब हम यहां से भी जाते थे। so अभी हम क्या करेंगे कि ये हमने क्लास भी बनाई है एक्चुअली, इसमें पब्लिक क्लास है, yes that's fine, so that's good, fine। इसमें जनरेट में जाएंगे और ये हम यहां से भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते थे इसको सिलेक्ट करने के बाद, बट डॉट वेरी हम कर चुके हैं। सो अब हम सिर्फ गेटर एंड सेटर बनाएंगे इन तीनों के लिए। सो ओके, सो ये इन्होंने सारे गेटर, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें बना दी हैं। सो मैं इन सबको यहाँ से, गेटर और सेटर हैं बेसिकली ये, इसको यहाँ से कट करके ताकि विजिबिलिटी आसान रहे, सो ये बना लिए। सो बेसिकली क्या होगा, अगर हमें इमेज चाहिए होगी तो हम गेट इमेज करेंगे, डिस्क्रिप्शन चाहिए तो गेट डिस्क्रिप्शन, इसमें ऑटोमेटिकली गेटर और सेटर तीनों पैरामीटर्स के लिए बना दिए हैं। सो इसका सिर्फ इतना सा काम है कि हमने स्क्रीन के हर एक आइटम्स को हमने यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। तो अब हमें बेसिकली करना क्या है कि हमें इसका यूज करना है, ठीक है। यूज कैसे करेंगे हम क्या करेंगे, इंट्रो स्लाइड्स के अंदर पहले से एक अडेप्टर बनाते थे, लास्ट टाइम भी हमने अडेप्टर बनाया, तो अब भी हम एक अडेप्टर बनाने की कोशिश करेंगे। सो दैट अडेप्टर शुड बी नेम एज, लास्ट टाइम हमने अडेप्टर का नाम अलग से दिया था, यस, तो अब हम इंट्रो स्लाइड्स का पेजर अडेप्टर बनाएंगे। लास्ट टाइम हमने फ्रेगमेंट पेजर अडेप्टर बनाया था, सो अब हम पेजर अडेप्टर बनाएंगे। सो एक अलग से जावा क्लास और इंट्रो पेजर एडेप्टर बनाएंगे, ठीक है। सो क्लास एक्सटेंड करेंगे, लास्ट टाइम हमने फ्रेगमेंट्स के साथ किया था, लेकिन अब हम पेजर
अडेप्टर के साथ इसको यूज करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने ओवरराइड्स किए थे, इंप्लीमेंट किए थे मेथड, सो इस बार भी हम ये करेंगे। सो ये हमने कर लिया। ठीक है, तो लास्ट टाइम के फंक्शन थोड़े अलग से थे, इसमें फंक्शन थोड़े अलग हैं, तो हम और भी फंक्शन को इसमें ओवरराइड करेंगे। तो मैं एक एक करके आपको बताता रहूंगा कि इसमें हम क्या क्या यूज करेंगे। सबसे पहले हमें जब भी हम अडेप्टर में यूज करेंगे तो हमें कंटेक्स्ट बनाना जरूरी है। ठीक है, कंटेक्स्ट क्योंकि हमें मेन एक्टिविटी से आएगा, सो मैं इसको सीटीएक्स डिफाइन कर देता हूँ कंटेक्स्ट। और इसके साथ ही साथ मुझे क्योंकि लिस्ट ऑफ स्क्रीन चाहिए, जितने भी स्क्रीन आइटम्स है वो मुझे नजर आनी चाहिए, सो मैं क्या करूंगा, मैं उसकी लिस्ट बना लूंगा एक। सो लिस्ट हम पढ़ चुके थे शुरू में, और इसमें मैं स्क्रीन आइटम्स को यूज करूंगा जो हमने खुद बनाया है। सो स्क्रीन आइटम्स क्योंकि खुद बनाया, सो इट शुड बी स्क्रीन आइटम्स, स्क्रीन आइटम लिस्ट। ओके फाइन, सो ये इम्पोर्ट है, सो इसको ऑल्ट एंटर से हम इम्पोर्ट कर लेंगे, तो ये मेरे पास इम्पोर्ट एड हो चुका है। ठीक है, और इन स्क्रीन आइटम्स को हम क्या करेंगे, इन स्क्रीन आइटम्स को बेसिकली हम यूज करेंगे इसके कंस्ट्रक्टर में। सो लास्ट टाइम हमने कंस्ट्रक्टर खुद बनाया था, सो इस बार मैं कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट बना के दिखाऊंगा। सो यहाँ से इसको आप सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, जनरेट करेंगे, और ये कंस्ट्रक्टर दोनों को सिलेक्ट करेंगे। ओके, सो ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास कंस्ट्रक्टर बन के आ गया। इसमें इस बेसिकली ये नीचे चला गया, सो इसको ऊपर में ले लेते हैं। तो इस कंस्ट्रक्टर में जो सीटेक्स हमने डिफाइन किया वो बाय डिफॉल्ट सीटेक्स से रिप्लेस हुआ, और जो हमारी स्क्रीन लिस्ट थी वो जो हमारी स्क्रीन है उसके साथ रिप्लेस होगी। उसके बाद हमारे पास एक मेथड आता है, हमारे पास यहाँ मेथड डिफाइन नहीं है, एक इसमें गेट काउंट है। सो काउंट में मैं क्या डिफाइन करूंगा, जितनी भी हमारे पास लिस्ट आई है, सो स्क्रीन लिस्ट जो आई है डॉट उसका साइज मैं भेज दूंगा वापस, कि जितनी हमारे पास लिस्ट आई है उस हिसाब से हमारे पास वो शो करना शुरू कर दे। और एक और ऑब्जेक्ट है इज व्यू फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये बुलियन फॉल्स देता है, तो हम क्या करेंगे, हम तभी इसको शो करेंगे जब वो कोई ऑब्जेक्ट हो। सो डबल इक्वल टू ऑब्जेक्ट होगा, कि अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तभी वो रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट विल फॉल्स। ठीक है, इसके साथ ही साथ दो फंक्शन इसमें और जरूरी हैं जो कि हमें यूज करने हैं, सो उसको हम इसमें ओवरराइड करना सीखेंगे। सो सबसे पहले है एक इंस्टांशिएट करते हैं हम आइटम्स को, सो इंस्टांशिएट आइटम्स, सो एक पोजिशन वाला है, कंटेनर पोजिशन है, और एक ये यूज करेंगे। ठीक है, सो इसमें क्या करते हैं, हम इंस्टांशिएट करते हैं, इंस्टांशिएट किया है तो हमें डिस्ट्रॉय भी करना पड़ेगा। फाइन, सो दोनों को हम यूज करेंगे, इंस्टांशिएट भी होगा आइटम्स और डिस्ट्रॉय भी होगा। सो सबसे पहले हम इंस्टांशिएट करने की कोशिश करते हैं। कैसे इंस्टांशिएट करते हैं, जब भी हमारे पास एक स्क्रीन आएगी तो उसमें हमें जो आइटम्स है उसको बनाना पड़ेगा, बनाने का मेरे मतलब है कि हमें उसको इन्फ्लेट करना पड़ेगा। कैसे इन्फ्लेट करते हैं, जैसे हम लेआउट से इन्फ्लेट करते थे वैसे ही हमें इसको यूज करना पड़ेगा। फाइन, सो लेआउट इन्फ्लेटर का हम यूज करेंगे जो कि सिस्टम की सर्विसेज के साथ चलते हैं, तो मैं रिटर्न को बाद में यूज करूंगा। सो मैं एक लेआउट, सॉरी एल कैपिटल, लेआउट इन्फ्लेटर यूज करेंगे, इन्फ्लेटर। ठीक है, और इसको मैं इंस्टांशिएट करता हूं, कैसे, लेआउट इन्फ्लेटर के साथ। लेआउट इन्फ्लेटर बेसिकली काम क्या करता है, कि वो जो करंट कंटेक्स्ट है उसकी सिस्टम की सर्विसेज को वो अक्वायर करता है। सो इसको मैं डायरेक्टली ना यूज करके, सो मेरे पास कंटेक्स्ट का नाम था सीटीएक्स, सीटीएक्स का यूज करूंगा, डॉट गेट सिस्टम सर्विसेज का यूज करूंगा, सर्विस का नाम पूछेगा वो, तो सर्विस का नाम होगा कंटेक्स्ट, क्योंकि यूज कर रहे हैं कंटेक्स्ट डॉट, इसमें मुझे चाहिए होंगे सर्विसेज, टाइप ऑफ सर्विस हमारे पास क्या होगी, लेआउट को इन्फ्लेट करने की। सो मैं यहाँ पे यूज करूंगा लेआउट इन्फ्लेटर सर्विस। ठीक है, एरर दे रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसको पता नहीं है कि लेआउट इन्फ्लेटर के साथ होगा, सो मैं इसको कास्ट कर देता हूं। ठीक है, लेआउट कैपिटल में, लेआउट इन्फ्लेटर, लेआउट इन्फ्लेटर के साथ। ठीक है, तो ये कास्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इन्फ्लेटर के साथ व्यू को इन्फ्लेट करूंगा। सो मैं अब दोबारा से जैसे हम लास्ट टाइम हमने बनाया था व्यू बनाएंगे, सो व्यू इज इक्वल टू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट करेंगे। ठीक है, इसमें रिसोर्सेज देने पड़ेंगे, सो आर डॉट लेआउट, कौन सा लेआउट हमें करना है, जो हमने एक्टी इंट्रो का व्यू लेआउट बनाया था हमने उसके साथ। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमें रूट देना पड़ेगा, सो व्यू रूट हमारा कौन सा होगा, जनरली
रूट यहाँ पे कोई रूट है नहीं हमारे पास, तो इसको मैं नल डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, बेसिकली रूट या अटैच टू रूट हमेशा फॉल्स या नल ही होता है। ठीक है, सो हमारे पास व्यू आ गया है, व्यू से हम सभी चीजें क्रिएट कर लेंगे। सो हमारे पास एक इमेज व्यू बनाना है हमें। ठीक है, सो आई एम वी रख लूंगा, ये हर एक स्लाइड का अलग अलग होगा। सो व्यू का यूज करेंगे। सो व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, यस, सो फाइंड व्यू बाय आईडी कर लेंगे, आर डॉट आईडी डॉट इंट्रो इमेज व्यू। सो यहां से मैंने इमेज व्यू निकाल लिया, रेफरेंसेस निकाल रहे हैं, गेटिंग रेफरेंसेस फाइन, इमेज व्यू ले लिया हमने, ऐसे ही हम दोनों टेक्स्ट व्यूज ले लेंगे। सो ये हो गया टेक्स्ट व्यू। ठीक है, इसको मैं रखूंगा टाइटल, और ये भी टेक्स्ट व्यू होगा, ये होगा डिस्क्रिप्शन। सो इसमें टीवी टाइटल और डीएससी डिस्क्रिप्शन, अभी हमारे पास तीनों चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, ये तीनों चीजें हमने यूज करनी है, लेकिन इनको सेट करने के बाद। सो सेट कैसे करते हैं हम, जैसे हम सेट टाइटल करेंगे, सेट टेक्स्ट करेंगे, तो इसको हम यूज करेंगे, लेकिन कैसे। ठीक है, सो इमेज व्यू डॉट सेट इमेज ड्रॉएबल यूज करेंगे। ठीक है, इमेज ड्रॉएबल मुझे कहां से मिलेगा, जो मेरे पास लिस्ट आ रही है। सो स्क्रीन लिस्ट डॉट गेट, कौन सी पोजीशन से, सो पोजीशन हमें ये दे रहा है, सो मैं इसको यहां से पोजीशन उठा लूंगा। ठीक है, डॉट गेट, यहां से मैं इमेज ले लूंगा। ठीक है, सो यहां पे कुछ गड़बड़ नजर आया, गेट इमेज रिटर्न्स ग्राफिक्स, सो यहां पे कह रहे ग्राफिक्स रिटर्न कर रहा है, सो मेरे पास इमेज रिसोर्सेज आनी चाहिए, सेट इमेज रिसोर्सेज यूज करना पड़ेगा। सो ड्रॉएबल नहीं, सेट इमेज रिसोर्सेज का यूज करना पड़ेगा। फाइन, सो इमेज सेट हो चुकी है, उसके बाद टाइटल सेट करेंगे, टाइटल डॉट सेट टाइटल टेक्स्ट, सॉरी सेट टेक्स्ट, सो सेम यूज करेंगे, स्क्रीन लिस्ट डॉट गेट पोजिशन डॉट गेट टाइटल, वहां से हम टाइटल ले लेंगे। ये बेसिकली टाइटल और इमेज कहां से आ रहे हैं, ये हमारे पास जो हमने ये स्क्रीन आइटम्स बनाई है, इसमें से हम ये फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने अभी बनाए नहीं है, इनको हम बनाएंगे जब हम मेन एक्टिविटी से इनको पास आउट करेंगे। सो डिस्क्रिप्शन में यूज करेंगे डॉट सेट टाइटल सेट टेक्स्ट, सो स्क्रीन स्क्रीन लिस्ट डॉट गेट पोजिशन डॉट गेट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब यहां से रिटर्न कर रहा था ये सुपर डॉट इंस्टेंशिएट आइटम, ये एक आइटम रिटर्न कर रहा है। सो बेसिकली आइटम हमारे पास है क्या, जो कंटेनर है, लेकिन कंटेनर हमारे पास अभी तो ब्लैंक है, तो हमें कंटेनर में व्यूज को ऐड करना पड़ेगा। सो व्यूज को ऐड करने के बाद हम जो व्यू है उसको पास आउट कर देंगे। सो सबसे पहले हम कंटेनर ये वाला यूज करेंगे जो व्यू ग्रुप को बना रहा है। सो कंटेनर लेंगे, कंटेनर डॉट ऐड करेंगे, इसमें एड व्यू करेंगे, व्यू हमारे पास कौन सा है, ये वाला व्यू। सो व्यू जो हमने पूरा का पूरा व्यू ऐड कर दिया, और इसको हम रिटर्न करेंगे यहाँ पे कि जो हमने व्यू ऐड किया है वही हम रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि व्यू बार बार ऐड किया जा रहा है, तो इसको हमें रिमूव भी करना पड़ेगा। रिमूव कब करेंगे, जब हम यहाँ पे जाएंगे डिस्ट्रॉय में जाएंगे। सो दोबारा से कंटेनर डॉट रिमूव व्यू। सो व्यू कहाँ है हमारे पास, जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, फाइन, जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वही हमारे पास व्यू जो है उसको हमें रिमूव कर रहा है, पोजीशन नहीं है। सो बेसिकली ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये हमेशा व्यू रिमूव करेगा, उसको क्या पता ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है। सो मुझे इसको कास्ट करना पड़ेगा एज अ व्यू। ठीक है, अब ये इसको रिमूव कर देगा, फाइन। सो आई होप सो हमारे पास ये सारी चीजें सेटअप हो चुके हैं। हमने एक कंस्ट्रक्टर बना ली जिसमें हमने स्क्रीन लिस्ट और कंटेक्स्ट ले लिया, उसके बेसिस पे हमने इंस्टेंशिएट कर दिया सभी आइटम्स को पर स्क्रीन के हिसाब से, उसके आइटम्स के काउंट हमने फाइंड आउट कर लिया, और ऑब्जेक्ट अगर है तभी रिटर्न करेगा, और डिस्ट्रॉय भी कर दिया। सो इमेज इंट्रो पेजर का भी काम खत्म हो चुका है। सो मैं यहाँ पे डिफाइन कर लूंगा इंट्रो स्लाइड्स के अंदर कि अब मुझे क्या क्या चीजें इसको यूज करनी है। ठीक है, सो सबसे पहले मैं जाऊंगा
पहले मैं इंस्टेंशिएट करूंगा जो आइटम्स मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल थी, जैसे व्यू पेजर था, ठीक है, टैब इंडिकेटर था, सॉरी टैब लेआउट था, बटन थे, ये मैं यूज करूंगा। सो सबसे पहले व्यू पेजर, ठीक है, व्यू पेजर बनाया, उसके बाद हमने बटन नहीं, उसके बाद हमने टैब लेआउट बनाया था, टैब लेआउट, ठीक है, इसमें टैब लेआउट यूज करूंगा। उसके बाद हमने बनाए थे बटन, दो बटन बनाए थे बेसिकली हमने, एक बनाया था नेक्स्ट, BTN नेक्स्ट, और एक था BTN, दूसरा कौन सा था, दूसरा हमने, दूसरे का नाम रखा था हमने एक्टिविटी इंटरेस्ट स्लाइड में, हमने ये था BTN नेक्स्ट, और इसका नाम था, इसका हमने ID डिफाइन नहीं की, सो इसको ID डिफाइन कर देते, इसका नाम है गेट स्टार्टेड, ठीक है, सो इसका नाम रखते हैं बटन गेट स्टार्टेड, ठीक है, तो बटन बन चुके हैं। उसके अलावा हमारे पास, क्योंकि हमने व्यू पेजर बनाया है, सो इंट्रो पेज अडेप्टर बनाया, पेज अडेप्टर, ठीक है, तो यहां हम सारी चीजों को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम इनको इंस्टेंशिएट करेंगे, इन सभी चीजों को। इसके साथ ही साथ हमने एक और चीज यूज कर लेते हैं हम, चलो। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे इन बटन्स को, या चीजों को हम इंस्टेंशिएट करेंगे। सो सबसे पहले हम नेक्स्ट बटन और गेट स्टार्टेड बटन को, टैब लेआउट्स को, और इनको हम इंस्टेंशिएट करेंगे, ठीक है। सो टैब लेआउट इज इक्वल टू फाइंड वी बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट टैब लेआउट, टैब लेआउट मिल चुका है। उसके बाद हम बटन को देख लेते हैं, बटन नेक्स्ट इज इक्वल टू फाइंड वी बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट बीटीएन नेक्स्ट, और BTN get started is equal to find v by id r dot id dot get started, ठीक है, ये तीनों चीजें instantiate हो चुकी हैं, ठीक है। इसके बाद हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसके बेसिस पे हम इन सभी चीजों को यूज करेंगे, ठीक है। सो लिस्ट बेसिकली क्या होगी, स्क्रीन्स ऑफ आइटम्स की लिस्ट होगी, ठीक है। सो यहां मैं लिस्ट बना लेता हूं, ठीक है, दैट शुड बी स्क्रीन लिस्ट आइटम्स। सो लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट होगी, वो न्यू एरे लिस्ट, ठीक है, और ये लिस्ट यहां पे पोर्ट करनी पड़ेगी, इसको पोर्ट कर दिया, ठीक है। अब इस लिस्ट में आइटम्स को हमें पोस्ट करना पड़ेगा, मतलब ऐड करना पड़ेगा, लिस्ट डॉट ऐड करनी पड़ेगी इसमें स्क्रीन आइटम्स। सो स्क्रीन आइटम्स कैसे ऐड करते हैं हम, न्यू स्क्रीन आइटम्स लिखेंगे, तो ये चीजें मांगेगी, टाइटल मांगेगा, सो टाइटल होगा हमारा फूड, हम क्या करते हैं पहले आइटम्स को लेकर, तो आइटम्स के लिए हमने अनड्रॉएबल एक साइट है उसके ऊपर जाएंगे हम, अनड्रॉ, ठीक है, अनड्रॉ में जाएंगे, कुछ भी तीन चार इमेजेस आप उठा के ले आइए और उसके बारे में आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो अनड्रॉस गए, उसमें ब्राउज करेंगे हम, ठीक है, ये फ्री है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। इसमें हम फॉर एग्जांपल हम फूड के बारे में हमें कुछ चाहिए तो हम सर्च कर लेंगे। सो जैसे ये है कि इसको क्लिक करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, बेसिकली SVGs कर रहे हैं हमें, SVGs नहीं, हमें डाउनलोड PNG चाहिए, सो हम डाउनलोड कर लेंगे, सेव कर लिया, सभी को इकट्ठे ही ले जाएंगे, फूड ये ले लेंगे, कोई भी आप तीन आइटम्स चूज कर लीजिए, मैं तीन के साथ ही बनाऊंगा, और इसके साथ ये यूज कर लेंगे, फाइन। सो ये तीनों आइटम्स को मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा,
तीनों आइटम्स भी मेरे पास नहीं मिल रही मुझे कहीं। फाइन कहाँ गई ये तीनों आइटम्स। ये तीन ड्रॉज हैं, तो मैं पहला ये रख लेता हूँ, इसका नाम है IMG1। ठीक है, इसका नाम है IMG2 और इसका नाम है IMG3। सो तीनों को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके बेसिकली इसको मिप मैप में रखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मिप मैप में क्यों, क्योंकि ये हर डेंसिटी पिक्सल्स के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेती है। सो इसमें मैं XHDFA में ये ऐड हो गई हैं, क्योंकि इसको देख लेंगे आप तो ये तीनों यहाँ पे XHDFA में नजर आएंगी। ठीक है, सो इसमें फूड है। ठीक है, इसमें मैं देख लेता हूँ पहली इमेज कौन सी है। सो ये कुछ फूड से रिलेटेड है, सो इसको मैं लिखूंगा टेस्टी फूड। ठीक है, उसके साथ इसका बेसिकली टाइटल आ चुका है। सो इसमें दूसरी चीज डिस्क्रिप्शन आनी चाहिए। सो मैं ऐसा करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन मेरे पास नहीं है, लॉरम टेक्स्ट कर लेता हूँ। लॉरम टेक्स्ट कुछ भी ले लीजिए आप, टेक्स्ट ले लीजिए बेसिकली। सो जनरेटर में यहाँ से मैं उठाऊंगा, ये मैं रैंडम टेक्स्ट डाल रहा हूँ ताकि आप बाद में इसको रिप्लेस कर सकें। सो मैं कुछ भी टेक्स्ट ले लेता हूँ। सो यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये मैंने इतना सा टेक्स्ट लिया। ठीक है, सेम टेक्स्ट मैं आगे यूज कर लूंगा। सो इसमें पेस्ट किया। ठीक है, इसमें अभी आ रहा है क्योंकि तीसरी आइटम्स में भी मिसिंग है। सो तीसरा है मेरे पास, तीसरा क्या चाहिए मुझे, इमेज। सो इमेज शुड बी r.mipmap.image img1। ठीक है, ये मैंने बंद कर दिया। सो ये ठीक है बिल्कुल, इसमें कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया। इसमें एक बार img2 पास किया, तीसरे में img3 पास किया, और ये टेस्टी फूड की जगह दूसरा है इजी ट्रांसपोर्टेशन, और चौथा है इजी पेमेंट। ठीक है, फास्ट डिलीवरी एंड इजी पेमेंट। ठीक है, ये मैंने कुछ भी टाइटल दे दिए बेसिकली। ठीक है, तो ये तीनों मेरे पास ऐड हो चुके हैं। फाइन, तो लिस्ट बन चुकी है बेसिकली हमारे पास यहाँ पे, और ये जो लिस्ट है ये हमें यूज करनी है। कहाँ यूज करनी है हमें, जो हम स्क्रीन बना रहे हैं उसके साथ। सो इसको हमें अटैच करना है जो पेजर है, व्यू पेजर जो है उसके साथ अटैच करना है। सो व्यू पेजर को अटैच करने के लिए हमें पहले व्यू पेजर का इंस्टेंशिएट कर चुके हैं क्या, हम नहीं किया है। सो मैं व्यू पेजर भी यहाँ पे कर लेता हूँ। सो व्यू पेजर इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.viewpager। ठीक है, सो व्यू पेजर मेरे पास ऑलरेडी बन चुका है। सो व्यू पेजर को मैं, व्यू पेजर बनाने से पहले मुझे इसका पेजर अडेप्टर सेट करना पड़ेगा। सो पेजर अडेप्टर इज इक्वल टू न्यू पेजर अडेप्टर यूज करूंगा। सो ये मेरे से कुछ चीजें मांगेगा। सो सबसे पहले क्या मांगेगा, ये एक लिस्ट, एक कंटेक्स्ट मांगेगा आई थिंक, और एक लिस्ट मांगेगा। तो यहां पे मैं देख लेता हूँ ये मुझसे क्या क्या चीजें मांगने वाला है। इंट्रो पेज अडेप्टर में पहले कंटेक्स्ट और फिर लिस्ट ऑफ आइटम्स। ठीक है, सो कंटेक्स्ट शुड बी दिस। ठीक है, एंड लिस्ट ऑफ आइटम्स इट शुड नॉट बी पेजर अडेप्टर, इट शुड बी इंट्रो
पेज एडिटर। सो कॉन्टेक्स्ट दिस चला गया और जो लिस्ट है वो हमारे पास लिस्ट ऑलरेडी है बनी हुई, ठीक है। इसके हिसाब से जो व्यू पेजर है डॉट सेट अडेप्टर जो है वो मेरा पेजर अडेप्टर होगा, ठीक है। सो पेजर अडेप्टर ने उसको सेट कर दिया है, ठीक है। अब ये जो पेजर अडेप्टर है क्या ये चल रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको टैब्स के साथ जोड़ते हैं। सो लेट्स रन इट। सो ये हमारा इंडिकेटर है, रन करके देखते हैं। काफी टाइम बाद हम इसको रन कर रहे हैं। अभी तक हमने बेसिकली क्या है, स्क्रीन्स बनाई है, स्क्रीन्स का एक ही लेआउट बनाया है और उस लेआउट में हम इसको बार बार चीजें डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो इसको एक बार रन करने देते हैं, उसके बाद मैं बताता हूं कि इसको कैसे यूज करेंगे। अभी ग्रेडल रन कर रहा है। सो ग्रेडल रन करने के बाद हो कह रहा है मैंने यहाँ पे रेफरेंसेस बनाए, रेफरेंसेस में एक लिस्ट डिफाइन की, लिस्ट में टाइटल डिस्क्रिप्शन और ये चीज बनाई। ये मुझे बनाने के लिए मुझे क्यों यूज किया, क्योंकि मुझे एक ही आइटम को यूज करना था बार बार। सो एक हमारे पास एरर आ चुका है, लिंकिंग एरर प्रोजेक्ट डिलीवरी ऐप रिसोर्सेज इंट्रो स्लाइड्स जो है ये बेसिकली बैकग्राउंड नल नहीं हो सकता। सो कोई बात नहीं, मैं इसको बैकग्राउंड हटा देता हूँ इसका, ठीक है। इसको मैं बैकग्राउंड वाइट दे देता हूँ। और यू कैन से दैट मैं ट्रांसपेरेंट कलर मैंने यूज नहीं किया है, तो मैं ट्रांसपेरेंट यूज कर लेता हूँ। ट्रांसपेरेंट, फाइन, एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है। सिक्स टाइम इज अ कलर एंड एट टाइम्स इज अ ट्रांसपेरेंट। सो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट यूज कर लूंगा, ठीक है। और इसका जो पैडिंग राइट है वो 10 dp दे देता हूं। अब रन करके देख लेते हैं। ये देखिए स्टार्ट हुआ है। ये देखिए चल रहा है, दिखने में उतना अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि डाटा थोड़ा ज्यादा हो चुका है। मैं इसको डाटा थोड़ा कम कर देता हूँ, ठीक है। इतना ज्यादा डाटा हमें जरूरत नहीं है। सो एक एक लाइन ही रखते हैं, ज्यादा लाइनें नहीं रखते हैं। ये बेसिकली टेक्स्ट है जो कि डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो यही चीज मैं सबके साथ करता हूं। फाइन, दोबारा रन करते हैं। बेसिकली कलर का भी फर्क है तो मैं बैकग्राउंड चेंज कर देता हूं इसकी। सो इंट्रो स्लाइड्स की जो बैकग्राउंड है इसको मैं बैकग्राउंड जो है वो वाइट कर देता हूं, फाइन। और यू कैन से दैट इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। अब देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। अभी भी नहीं, सो वाइट ही यूज करता हूँ।
White should be looking good. Okay, actually, yeah. Now it's looking pretty. इमेज का साइज थोड़ा छोटा है तो मैं इमेज के साइज को चेंज करने के लिए इंट्रो व्यू स्लाइड्स में जाऊंगा, यहाँ इमेज को क्लिक करूंगा. सो मैं 200 की जगह 300 यूज करना शुरू कर दूंगा. हाइट शुड बी रैप कंटेंट, ठीक है. और क्या चेंजेस चाहिए, जो लोरियम है, ये जो टाइटल है इसमें टेक्स्ट व्यू है, इसकी ग्रेविटी जो है वो सेंटर होनी चाहिए, अलाइनमेंट भी, टेक्स्ट अलाइनमेंट भी सेंटर होना चाहिए. सो अब देखते हैं ट्राई करके कैसा लगता है. सो नाउ इट्स प्रिटी. देखिए ये डिफरेंस काफी ज्यादा है, ये डिफरेंस इतना ज्यादा क्यों है. हाइट इज ओके, टेक्स्ट साइज इज 20, फाइन. मार्जिन टॉप जो है वो ज्यादा नजर आ रहा है, सो मार्जिन टॉप मैं हटा देता हूँ यहाँ से. फाइन, इसमें तो कुछ नहीं है. विड्थ ओके, मैं ऐसा करता हूँ कि सेंटरिंग पेरेंट ट्रू है. सो इट शुड नॉट बी एक्चुअली सेंटरिंग पेरेंट, अलाइन पेरेंट टॉप कर देते हैं ट्रू. सेंट्रल हॉरिजॉन्टल ट्रू कर देते हैं, फाइन. और उसको मार्जिन टॉप दे देते हैं 20. अब देखते हैं थोड़ा कैसा लगता है. बहुत ज्यादा नीचे आ गया है तो दिखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा था. या नाउ इट्स प्रिटी गुड. सो ये स्लाइड कर रहा है लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ठीक है. अकॉर्डिंग टू इमेज साइज ये चेंज हो रहा है. सो इट मीन्स कि आपको इमेज की विड्थ को जो है पूरा कंटेंट रखना पड़ेगा और हाइट आपको इसको डिफाइन दे देती है, ठीक है. हाइट फिक्स रखिए, विड्थ के साथ विड्थ अपने हिसाब से चेंज करने दीजिए ताकि उसका लुक जो है वो ज्यादा ब्यूटीफुल लगे. सो ये देखिए अब इमेज और टेक्स्ट एक ही जगह पे घूम रहे हैं सभी के सभी, दिखने में भी सुंदर लग रहा है, फाइन. सो ये हमारे पास व्यू पेजर बन चुका है, इंट्रो स्लाइड्स हैं. ये फर्स्ट जो टेस्टी फूड है इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ. सो ये टाइटल है, सो इसका जो टेक्स्ट कलर है ये मेरे पास ग्रेडियंट स्टार्ट दे देता हूँ, या सो टेक्स्ट कलर इसका भी चेंज कर दिया है. और जो मेरे पास इंट्रो स्लाइड्स के टाइम पे बटन है, बटन में ड्रॉएबल का जो टेंट है वो भी मैं ग्रेडियंट स्टार दे देता हूँ. अब जरा ट्राई करके देखते हैं कैसा नजर आता है. सो इट्स गुड, लुकिंग प्रिटी, ठीक है. और ये भी बटन का कलर चेंज हो चुका है. यहाँ पे अभी मेरे पास डॉट्स नहीं आए हैं, सो मुझे उसको डॉट्स को डिफाइन करना पड़ेगा. सो लेट्स डू इट, फाइन. सो इंट्रो स्लाइड्स बन चुके हैं, उसके बाद अब हम टैब इंडिकेटर बनाएंगे. टैब इंडिकेटर बेसिकली हमारे व्यू पेजर के ऊपर सेटअप होगा. सो टैब इंडिकेटर को हम जस्ट सर्च करेंगे एक लाइन के साथ, डॉट सेटअप विद व्यू पेजर. सो इसको हम यहाँ पे जाएंगे, व्यू पेजर सेट हो चुका है. सो सेटअप टैब्स, सो टैब लेआउट डॉट सेटअप विद व्यू पेजर. व्यू पेजर कौन सा है, व्यू पेजर, ठीक है. अब चला के देखते हैं कैसा नजर आता है.
ये देखिए नजर तो आ रहे हैं, बेसिकली टैब्स चल रहे हैं लेकिन वो नजर नहीं आ रहा है बेसिकली ना, ये क्यों हो रहा है ऐसा? आई थिंक हमने लेआउट में जब बनाए थे ये तब कुछ गड़बड़ कर दिया है। सो बटन में टैब लेआउट है, टैब है, ठीक है। जो टैब लेआउट है उसका क्या मुझे हाइट वेट तो मेरे पास रैप कंटेंट ही देना पड़ेगा, सो दैट्स फाइन। सो इंडिकेटर सिलेक्टर मैंने ठीक दिए हैं, यस। टैब बैकग्राउंड मैंने इंडिकेटर सिलेक्टर ही दिए हैं, ठीक है। और टैब आइटम बेसिकली ओके, मैंने आइटम नहीं देनी है क्योंकि मेरे पास आइटम तो कोई है ही नहीं, ठीक है। सो मार्जिन मैं दे देता हूँ सब जगह से, सो मार्जिन दे देता हूँ 20 pp। सो लेट्स रन दिस। सो बेसिकली टैब इंडिकेटर क्या काम है, टैब इंडिकेटर हमारे डिफाइन करेंगे कि जो टैब्स हैं वो कहाँ कहाँ नजर आएंगे। ठीक है, ये देखिए ये नजर आ रहे हैं लेकिन ये प्रॉपरली विजिबल नहीं है। इसका मतलब जो हमारे पास हमने सिलेक्टर और डिफॉल्ट यूज किया वो कुछ गड़बड़ किया। हम पहले डिफॉल्ट को देखते हैं, शेप रिंग रखी, ठीक है। थिकनेस 40 देके देखते हैं, बेसिकली ये ऐसा क्यों हुआ क्योंकि हमारे पास जो रिंग्स हैं वो प्रॉपर नहीं बने हैं। सो ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आइटम हमारे पास शेप थी, सॉलिड थी, लेयर लिस्ट थी। एक बार दोबारा ट्राई कर लेते हैं। शेप रिंग रखी, इनर रेडियस रखा, थिकनेस रखी, यूजर लेवल रखा, ठीक है। दीज आर ऑल ओके। शेप हमारे पास रिंग ही थी और कलर डिफाइन किया, ठीक है। एक्चुअली दिस शुड नॉट बी कलर, इट शुड बी सॉलिड। और यही आई थिंक मुझे सिलेक्टेड में गड़बड़ किया मैंने। रिंग शुड बी 3 dp और यू कैन से दैट 2 dp यूज किया। तो स्टार्ट किया मैंने, कलर यूज किया और सब कुछ ठीक। बाकी तो दोबारा रन करके देखते हैं क्या गड़बड़ किया है। ओके, लेट्स सी कि हमने और क्या गड़बड़ की है इसमें। टैब लेआउट्स में बेसिकली हमारे पास ये मेरे को यहां भी नजर नहीं आ रहे हैं। लेयर लिस्ट में भी नजर आना नहीं आ रहे हैं। ग्रेडिएंट स्टार्ट, या इट्स नॉट विजिबल आई थिंक। सो कुछ गड़बड़ हुआ। ओके, मैंने सॉलिड बाहर निकाल दिया था, इस वजह से सिलेक्टेड में ये सॉलिड जो है ये शेप के अंदर ही बेसिकली रहेगा, या सो डिफॉल्ट में
डिफॉल्ट में ये 0 dp रहेगा और ये 4 dp रहेगा, और ये ग्रेडियंट कलर जो है ये मेरे पास जो ग्रे टैब का जो कलर था, कौन सा कलर था उसका नाम क्या रखा था मैंने, टैब इंडिकेटर, सो टैब इंडिकेटर ही रहेगा। फाइन, अब देखते हैं एक बार ट्राई करके। इसके लिए हमने सॉलिड को शेप से बाहर रख दिया, या नाउ इट्स ओके। सो ये हम देखिए हम पॉइंट कर रहे हैं तो ये आगे आगे जा रहे हैं। फाइन, एक्चुअली मैंने थोड़ा सा गड़बड़, इसमें था ये उल्टा कर दिया हमने, टैब इंडिकेटर ये थे डिफॉल्ट वाले और सिलेक्टेड में हमारे पास ग्रेडियंट कलर होता था, ठीक है। अब इसमें एक चीज और भी है कि जो टैब लेआउट है हमारा, ये हमारा कहाँ है, इंट्रो स्लाइड्स के अंदर टैब लेआउट है, इसमें टैब जो बैकग्राउंड है वो तो दे दिया है, ठीक है। टैब इंडिकेटर कलर जो है वो मेरा वाइट होना चाहिए, यू कैन से वाइट, सो दैट वो दिखे ही ना। सो इसको मैं दोबारा रन करता हूं ताकि जो अंडरस्कोर वाली लाइन थी वो दिखना बंद हो जाए। यस, नाउ इट्स प्रिटी। फाइन, सो ये मेरा इंट्रो स्लाइड यहां तक हो चुका है, ठीक है। हमने काफी टाइम लगा लिया इस करने में, सो डोंट वरी, 15 मिनट्स इज मोर, हम फटाफट इसको करने की कोशिश करेंगे। इतना हो चुका है, दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं, इसके क्लिप के ऊपर भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस ये बटन के नेक्स्ट के ऊपर हमने अब फंक्शनैलिटी लगानी है, सो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सो btn next dot set on click listener, ठीक है, न्यू ऑन क्लिक लिस्टनर हम लगाएंगे, ठीक है। क्लिक लिस्टनर पे हम क्या करेंगे, एक हम इंटीजर डिफाइंड कर देते हैं, पोजीशन जो है, ठीक है, पोजीशन बाय डिफॉल्ट जो है वो 0 रहेगी, ठीक है। अगर ये पोजीशन इंक्रीज होती है, फाइन, कि जैसे जैसे हमारे पास जो आइटम्स हैं वो मूव करेंगी, सो पोजीशन भी ऑटोमेटिकली चेंज होनी चाहिए। सो पोजीशन शुड बी व्यू पेजर डॉट गेट करंट आइटम, जो व्यू पेजर है उसका गेट करंट आइटम होगी। अगर ये आइटम इफ पोजीशन इज लेस देन, तब किससे लेस देन है, जो हमारी लिस्ट है लिस्ट डॉट साइज से लेस देन माइनस वन से, क्योंकि साइज तो ये 3 देगा लेकिन ये 2 तक हमें अगर सेट करनी है, फिर तो हम पोजीशंस को प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। पोजीशन मतलब बढ़ाते रहेंगे ऑटोमेटिकली, और इसके क्लिक के ऊपर हम ये काम कर रहे हैं तो हम व्यू पेजर को भी बढ़ा देंगे, व्यू पेजर डॉट सेट करंट आइटम को हम पोजीशन दे देंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, मतलब इफ पोजीशन इज इक्वल टू हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, पोजीशन को तो बढ़ाएंगे नहीं, हम नई स्क्रीन लोड कर देंगे, ठीक है। नई स्क्रीन लोड करने से क्या मतलब है कि हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चले जाएंगे। सो लोड वेयर वी विल गो, स्क्रीन इज शुड बी स्प्लैश स्क्रीन, लोड स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है। तो ये एक फंक्शन बना लेंगे हम, ठीक है। सो ये फंक्शन ऑलरेडी है नहीं, तो इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, सो क्रिएट मेथड, ठीक है। यहाँ पे नहीं बनाएंगे हम, सो इस पूरे उसके अंदर ही बनाएंगे, सो रिक्रिएट मेथड इंट्रो स्लाइड्स के अंदर, ठीक है। इसका काम क्या होगा, न्यू स्लाइड को हमने कॉल करना है, ठीक है। सो इसके साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि टैब इंडिकेटर की वजह से भी चेंज हो रहा हो इंट्रो स्लाइड, सो हमें टैब इंडिकेटर का भी ध्यान रखना होगा। सो टैब लेआउट डॉट सेट ऑन टैब सिलेक्टेड लिस्नर आएगा, ठीक है। इसमें न्यू ऑन टैब लेआउट सिलेक्टेड लिस्नर लगाया था हमने, कल भी लगाया था। सो बेसिकली इसमें भी क्या होगा कि अगर तो वो लेस देन साइज है, ठीक है, तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो इक्वल टू लिस्ट के साइज से कम हो चुका है तो लोड स्क्रीन करेगा। सो इफ
टैब डॉट गेट पोजीशन इज इक्वल टू, अगर लिस्ट के साइज से एक कम हो चुका है तो स्लाइड की वजह से भी, तो भी वो लोड करेगा स्प्लैश स्क्रीन पे. फाइन, सो लोड स्प्लैश स्क्रीन अभी तो कुछ नहीं कर रहा है. सो मैं एक और चेक कर लेता हूँ कि ठीक चल रहा है टोस्ट करके. सो लोडिंग, इसमें मैंने एक टोस्ट दे दिया है कि कैसे भी हो अगर लास्ट स्क्रीन हो चुका है तो वो लोड कर रहे. ठीक है, हमने लोड स्क्रीन पे करना क्या है, बेसिकली एक सिंपल हमने कुछ नहीं करना है, एक इंटेंट लगाना है और उसको हमने यूज करना है. ठीक है, हम बटन की विजिबिलिटी और इनविजिबिलिटी को चेक करेंगे और यूज करेंगे. फाइन, सो जैसे यहां पे देखिए मैं एक बार रन किया, ये लास्ट स्क्रीन पे जैसे ही आया तो मेरे पास लोडिंग आ गया. फाइन, सो बैक गया शुरू से आता हूं दोबारा से, इसके नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, जैसे लास्ट पे आया तो ये लोडिंग आ गया. फाइन, सो इसको यूज करेंगे. ठीक है, सो हमें इसके लास्ट के ऊपर जब ये क्लिक करेंगे, बेसिकली ये बटन हमें यहां से ये दोनों ही मुझे विजिबिलिटी गॉन करनी है और यहाँ पे जो बटन है वो मुझे विजिबल करवाना है. सो मैं इसको टोस्ट को हटा देता हूँ यहाँ से. सो btn next dot set visibility करूंगा इसको मैं गॉन. ठीक है, और tab layout का जो dot set visibility होगा उसको भी मैं गॉन कर दूंगा. ठीक है, और btn get started है dot set visibility है उसको मैं विजिबल कर दूंगा. ठीक है, इसको विजिबल देखते हैं कि ये होता है नहीं होता, एक बार रन करके ट्राई कर लेते हैं. सो विजिबल होने के साथ ही ये, इसको मैं डायरेक्टली विजिबल नहीं करना चाहता, मैं इसके साथ कुछ ट्राई करूंगा कि क्या मैं इसको एनिमेट कर पाऊंगा. अगर मैं इसको एनिमेट कर पाता हूं तो बहुत अच्छी बात है. सो मैं क्या करूंगा कि इसके साथ एक एनिमेशन फिक्स कर दूंगा. ठीक है, एनिमेशन कैसे बनाते हैं हम वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं. ठीक है, ये 2 मिनट का काम है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं. सो यहाँ पे जैसे मैं किया, लास्ट स्लाइड पे जैसे आया तो ये देखिए गेट स्टार्टेड ऊपर चला गया बेसिकली. ज्यादा इसको थोड़ा नीचे आना चाहिए. सो सेंटर इन पेरेंट कहाँ था ये, बेसिकली इंट्रो स्लाइड्स में मेरे पास ये रहा बटन. ठीक है, तो सेंटर इन पेरेंट ट्रू था, इसको मैं छोड़ देता हूँ. बैकग्राउंड दे दिया था, विजिबिलिटी गॉन कर दी थी, विजिबिलिटी ले आते हैं थोड़ी देर के लिए. ठीक है, इनविजिबल था, सॉरी. ठीक है, ग्रेविटी सेंटर कर देते हैं, सॉरी सेंटर इन पीरियड की जगह सेंटर हॉरिजॉन्टल कर देते हैं ट्रू. ठीक है, अलाइंट पेरेंट बॉटम कर देते हैं ट्रू और इसको मार्जिन देते हैं बॉटम से. ठीक है, 30 dB का. फाइन, अभी ट्राई करके देखते हैं कि ये ठीक चल रहा है. सो मैं बात कर रहा था एनिमेशन की साथ, तो एनिमेशन कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ. सो यहां से हम राइट क्लिक करेंगे, सॉरी रिसोर्सेज को राइट क्लिक करेंगे, न्यू. ठीक है, एक मैं रिसोर्स डायरेक्टरी बना लेता हूँ. सो इट शुड बी एनिम. ठीक है, वैल्यूज और ये होगा एनिम टाइप का. ठीक है, सो ओके करेंगे तो एक एनिमेशंस की फोल्डर बन जाता है, इसमें एनिमेशन रिसोर्स फाइल अलग से आती है. सो btn underscore anim यूज करूंगा मैं. बेसिकली एनिमेशन फाइल करती क्या है, एक हमारे पास सेट देती है, सेट ऑफ चीजें कि जिसमें हम एनिमेट कर पाएंगे इन चीजों को. एक बार चेक कर लेते हैं, ये सही आया, इसको किया, ये किया, ये देखिए बिल्कुल सही जगह पे आ चुका है, इसके क्लिक पे भी चल रहा है. सो इसमें हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी, देखिए अल्फा मतलब उसकी विजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं और ट्रांसलेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. सो अल्फा करते हैं, फ्रॉम अल्फा 0 से कहां तक, टू अल्फा 1 तक. ठीक है, कितने टाइम में, सो इसकी ड्यूरेशन डिफाइन करनी होती है, ड्यूरेशन यहाँ आती नहीं है बेसिकली कभी कभी. सो एंड्रॉयड ड्यूरेशन लिखनी पड़ती है, सो ड्यूरेशन हमेशा सेकंड्स में होती है. तो ये मैं 500 सेकंड्स इज मोर देन इनफ,
ठीक है, तो ये मेरे पास अल्फा डिफाइन हो गया है, ठीक है। इसके साथ ही साथ मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा, ठीक है, फ्रॉम एक्स सॉरी फ्रॉम वाई डेल्टा वाई मतलब माइनस 100% से टू वाई 0% तक, ठीक है। इसमें भी एंड्रॉयड की ड्यूरेशन रहेगी, ठीक है, सो दैट शुड बी थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं ताकि दिखने में इजी रहे। सो ये मेरे पास ड्यूरेशन रहेगी। सो अल्फा मैंने डिफाइन कर दिया ड्यूरेशन फ्रॉम अल्फा से टू अल्फा कितने टाइम में, और वाई भी डेल्टा कितने टाइम में होगा, ठीक है। सो अब मुझे इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। यूज करने के लिए मुझे एक एनिमेशन का मुझे बनाना पड़ेगा बटन, बटन के साथ मुझे एनिमेशन को यूज करना पड़ेगा। सो एनिमेशन बटन बेसिकली तभी बनेगा जब मैं एनिमेशन को यूज करूंगा। सो पहले मैं एनिमेशन बनाता हूं। सो मुझे यहाँ एक एनिमेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एनिम यूज किया, इसको मैं btn एनिम कर दूंगा, बटन की एनिमेशन है बेसिकली। ये क्या है, सिर्फ एनिमेशन ही डिफाइन करेगा। सो इसको मुझे डिफाइन करने के लिए, मुझे इसको इंस्टेंशिएट करने के लिए एक एनिमेशन को यूज करूंगा, लोड एनिमेशन। सो मैं यहाँ पे इंस्टेंशिएट की जगह पे जाऊंगा। सो btn एनिमेशन को, ठीक है, एनिमेशन डॉट बेसिकली एनिमेशन यूटिल्स होता है, यस एनिमेशन यूटिल्स डॉट लोड एनिमेशन होगा, कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा दिस, साथ ही एनिमेशन आर डॉट एनिम डॉट बटन एनिमेशन। सो ये एनिमेशन मेरी यूज होगी। सो ये जो एनिमेशन है, ये जो बटन एनिमेशन है, ये मुझे यूज कहाँ करनी है, जब मैं बटन को विजिबल करवाऊंगा, ठीक है। सो बटन के विजिबल के ऊपर जैसे ही विजिबल होगा मैं उसको सेट एनिमेशन कर दूंगा, ठीक है। सो मैं नीचे जाऊंगा, यहाँ पे btn get started dot set animation, so इसमें बटन एनिमेशन को यूज करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं कैसा लगेगा ये। एक बटन की एनिमेशन बनाई और उसको हमने यूज किया। इसके साइड में जगह थोड़ी कम है तो मैं इसको भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ लेआउट में। इंट्रो का व्यू स्लाइड जो है, ये जो है, इसमें पैडिंग भी दे देते हैं दोनों साइड से, पैडिंग नहीं बेसिकली मार्जिन दे देते हैं, ठीक है, मार्जिन दे देते हैं 30 dp, ये दोनों साइड से मुझे थोड़ा थोड़ा जगह चाहिए थी। सो मैंने इसको यूज किया, यस लुकिंग प्रिटी, इसका यूज किया, नेक्स्ट नेक्स्ट, ये देखिए ऊपर से बटन आया, फाइन। फाइन, दोबारा से रन करके देख लेते हैं। ये देखिए ऊपर से, उसका गेट स्टार्टेड सिंपली, ठीक है। तो गेट स्टार्टेड के ऊपर हमने कोड नहीं लिखा है, सो गेट स्टार्टेड का भी काम अभी हमने बाकी रखा है, सो उसको लिख देते हैं। सो btn गेट स्टार्टेड डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है, न्यू ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे। सो बेसिकली इसके एनिमेशन पे क्या होगा, जब भी हम इसको यूज करेंगे तो सबसे पहले तो जो एक्टिविटी है वो दूसरी एक्टिविटी यूज होगी, और इसके साथ ही साथ हम, मैंने बात की थी शुरू के कुछ मिनट्स में कि हम सेव्ड प्रेफरेंसेस को यूज करेंगे, शेयर्ड प्रेफरेंसेस को, तो वो कैसे करते हैं। सो हम पहले इंटेंट बनाते हैं, ठीक है, इंटेंट आई इक्वल टू न्यू इंटेंट बनाएंगे, ठीक है। इसमें हम करंट पास करेंगे ये, और हमें जाना कहाँ है, स्प्लैश एक्टिविटी के ऊपर, डॉट क्लास यूज करते हैं हम, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था। उसके बाद हम स्टार्ट एक्टिविटी करेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी, और इसको इंटेंट को पास कर देंगे, सॉरी आई है इंटेंट, इसको हम पास कर देंगे, ठीक है। और करंट एक्टिविटी हमारी फिनिश हो जानी चाहिए क्योंकि हमने इसको यूज कर चुके हैं, व्हाट इट इज कॉल्ड, ये एक्चुअली करंट एक्टिविटी इंट्रो स्लाइड्स लिखने पड़ेंगे हम पूरा,
क्योंकि इंट्रो स्लाइड्स डॉट दिस यूज करना पड़ेगा। फाइन, ठीक है, इसको फिनिश करने के साथ ही हमें सेव्ड करना पड़ेगी, सेव प्रेफरेंसेस को। हम एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं जहां हम प्रेफरेंसेस को सेव कर लेंगे कि हम इंट्रो स्लाइड्स देख चुके हैं। सो मैं एक अलग से मेथड बना लेता हूँ, सेव प्रेफरेंसेस। सेव प्रेफरेंसेस हम ऐसा चेक करेंगे हम पहली बार ऐप को विजिट कर रहे हैं या मल्टीपल टाइम्स हम विजिट कर चुके हैं। मतलब अगर हम पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमें इंट्रो स्लाइड्स नजर आनी चाहिए, लेकिन अगर हम पहली बार ना आके दूसरी बार आ रहे हैं तो हमारे पास इंट्रो स्लाइड्स नहीं आनी चाहिए, डायरेक्टली स्प्लैश स्क्रीन खुलनी चाहिए। तो हम सेव्ड प्रेफरेंसेस यूज करेंगे। सो इसको हम शेड एस एच से शेड प्रेफरेंसेस, ठीक है, प्रेफरेंसेस यूज करेंगे इक्वल टू शेड प्रेफरेंसेस डॉट सॉरी इट शुड बी अ प्रेफरेंस। सो प्रेफरेंस को यूज करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा कंटेक्स्ट जो कि उसके शेयर प्रेफरेंसेस के साथ काम करे। सो कंटेक्स्ट मेरे पास इंट्रो स्लाइड्स डॉट दिस डॉट गेट प्रेफरेंसेस, सॉरी शेयर प्रेफरेंसेस होगा जिसमें सबसे पहले प्रेफरेंस का नाम आएगा, ये यूनिक होगा। सो मैं इसका नाम रख दूंगा टेक्नो। फाइन, और इसका मोड भी होगा, तो ये मोड बेसिकली प्राइवेट होना चाहिए ताकि कोई और ऐप इसको एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। इसके साथ ही मुझे अब इसका एडिटर बनाना पड़ेगा। सो शेयर प्रेफरेंसेस डॉट एडिटर डॉट एडिटर, एडिटर काम क्या करता है, इसको राइट करने का काम आता है। सो प्रेफरेंसेस डॉट एडिट यूज करेंगे हम। सो एडिटर के साथ हम एडिटर डॉट पुट करते हैं, ठीक है, बुलियन पुट कर लेते हैं, ठीक है, बुलियन में एक वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। इसमें दो ही चीजें होंगी, एक की होगी एक वैल्यू होगी। सो की होगी वैल्यू, ठीक है, इज विजिटेड कर देते हैं, इज फर्स्ट टाइम, क्या ये हमारा फर्स्ट टाइम था, ठीक है, और इसके साथ इसमें बूल वैल्यू हम रख देते हैं। सो हमारी बूल वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, ठीक है, तो ये ट्रू होगा, ठीक है, और एडिटर डॉट कमिट कर देंगे, ठीक है। सो ये होगी सेव, अगर हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सेव कर देंगे। इसके साथ ही साथ हम एक और फंक्शन बना लेते हैं, प्राइवेट टाइप का ही होगा। सो इसमें रिटर्न करेंगे बुलियन वैल्यू, ठीक है, रीड करेंगे हम प्रेफरेंसेस को, ठीक है। इसमें क्या होगा कि हम प्रेफरेंसेस की वैल्यूज को रीड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सिंपली सेम चीज यूज करेंगे, ठीक है, इसमें कॉपी करेंगे, ठीक है, प्रेफरेंसेस यूज करिए एडिट किए, ठीक है। इस बार हम क्या करेंगे कि जो प्रेफरेंसेस हैं उसको हम डायरेक्टली रीड कर लेंगे, हमें एडिट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मैं यहां से सेम इसको यूज करूंगा। सो प्रेफरेंसेस डॉट गेट बुलियन, की वैल्यू हमें यूज करनी थी तो ये हमारी की वैल्यू है, ठीक है। इसके साथ ही साथ हमें डिफॉल्ट वैल्यू देनी है कि अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, तो एग्जिस्ट नहीं करती मतलब हमने एक बार भी विजिट नहीं किया, तो हमारे पास ये है उसकी फॉल्स वैल्यू, तो ये रिटर्न कर रहा है कुछ ना कुछ, तो ये मैं बुलियन रिटर्न करेगा, तो मैं बुलियन डिफाइन कर देता हूँ। बुलियन एक्चुअली प्रेफर इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द स्कोप, सो गेट बुलियन बेसिकली इज अ नाइस ऑप्शन। इसको मुझे डिफाइन, एक्चुअली इट्स नॉट, इट्स रिटर्न, ये रिटर्न करेगा डायरेक्टली जो भी होगा, ठीक है। तो सेव प्रेफरेंस तो हो चुका है, ठीक है। इसके साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि जब हम फर्स्ट टाइम यहां आ रहे हैं, मतलब कंटेक्स्ट लोड भी हो रहा है, ठीक है, इफ अगर रीड कर रहे हैं प्रेफरेंस, अगर तो ये ट्रू होता है, ठीक है, सॉरी अगर ये फॉल्स होता है, ठीक है, तो ये इसको रीड ही नहीं करेगा, ये आगे चला जाएगा। इट मींस कि हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, अगर ये फर्स्ट टाइम नहीं आ रही है तो हम क्या करेंगे, लोड करेंगे स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है। लोड स्प्लैश स्क्रीन में हमने क्या लिखा, सॉरी लोड स्प्लैश स्क्रीन की जगह हम ये लिखेंगे एक्टिविटी
सेव्ड प्रेफरेंस और फिनिश कर देंगे, ठीक है। सो अगर हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो हम वो सेम चीजें दोबारा करेंगे कि एक्टिविटी बनाएंगे और इसको फिनिश कर देंगे। इसको यहां से जाएंगे और यहां पे अगर ये ट्रू है तो दोबारा सेव नहीं करेंगे प्रेफरेंसेस क्योंकि ऑलरेडी सेव्ड है। सो एक बार रन करके देख लेते हैं। स्प्लैश स्क्रीन में हमने कुछ नहीं बनाया है, स्प्लैश स्क्रीन में हमारा सिर्फ एक टेक्स्ट व्यू है टेक्नोमाइंड्स और कुछ नहीं है। सो तो ये रन कर गया, देखिए इसमें आगे गए, ठीक है। गेट स्टार्टेड, जैसे मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया ये मेरा मेन स्क्रीन खुल के आ गया। अब मैं बैक आऊंगा तो मेरी एक्टिविटी से बाहर आ जाएगा। मैं दोबारा इसी ऐप को खोलने की कोशिश करूंगा, तो ये है फूड डिलीवरी ऐप, इसको क्लिक करेंगे तो देखिए बाय डिफॉल्ट मेरी मेन एक्टिविटी ही खुलेगी, मेरी इंट्रो स्लाइड्स नहीं खुली क्योंकि वो शेयर्ड प्रेफरेंस पे यूज हो चुका है। क्या मैं उसको दोबारा देख सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल देख सकते हैं आप। इसको थोड़ा लॉन्ग प्रेस करेंगे, ऐप इन्फो पे जाएंगे, आप अपनी शेयर्ड प्रेफरेंसेस हैं वो सेव होती हैं उसके लोकल फाइल में। सो ऐप इन्फो पे जाएंगे, ऐप इन्फो में इसके स्टोरेज को आप क्या करेंगे, क्लियर स्टोरेज कर देंगे, ठीक है। क्लियर स्टोरेज से उसका डाटा डिलीट हो जाएगा, इट मीन शेयर्ड प्रेफरेंसेस भी क्लियर हो चुके हैं। सो अगर आप इस ऐप को दोबारा रन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हुआ या नहीं। सो इसको मैं दोबारा रन करेंगे, ऐप डिलीवरी, सो फिर से मेरी इंट्रो स्लाइड चलनी शुरू हो चुकी है। यहाँ से क्लिक करेंगे, नेक्स्ट से गेट स्टार्टेड। सो दिस इज आवर मेन स्क्रीन। सो कल हम क्या करेंगे, इसको एज अ स्प्लैश स्क्रीन कंसीडर करेंगे, ये बनाएंगे। आज थोड़ा लंबा हो गया लेक्चर, इसको स्प्लैश स्क्रीन बनाएंगे और इससे फिर हम मेन स्क्रीन पे जाएंगे जहां हम यहाँ भी एनिमेशन का थोड़ा सा यूज करके बताएंगे। फाइन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर थोड़ा सा लेक्चर लंबा होने की वजह से, क्योंकि शुरुआत में हमारे थोड़ा ऑडियो के इश्यूज थे, सो डोंट वरी, हम ये चीज आप प्रैक्टिस कीजिए दोबारा और हम इसको यूज करेंगे फर्दर सेशंस में। फाइन, सो आई एम एंडिंग माय स्ट्रीम। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट पोस्ट मी इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन रिजॉल्व इट। अदरवाइज थैंक्स यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच।